नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। लखनऊ विकास प्राधिकरण में आज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पहले आओ पहले पाओ योजना की आड़ में बिना लॉटरी के फ्लैट आवंटन पर LDAVC ने अब कार्रवाई करते हुए इस योजना के प्रभारी को हटा दिया है और कहा है कि निरस्त होंगे मनमाने तरीके से आवंटित किए गए फ्लैट। पहले आओ पहले पाओ योजना की आड़ में गोमती नगर विस्तार सेक्टर 1 में सुलभ आवास में फ्लैटों को मनमाने तरीके से आवंटन की जांच अब शुरू हो गई है। इसके साथ ही OSD राजेश शुक्ला को योजना के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। LDAVC प्रभु नारायण सिंह ने मामले की जांच वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह को सौंपी है और अब इन फ्लैटों की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है। दावा किया जा रहा है कि इस खेल में शामिल अधिकारियों पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि LDA ने पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत अपने चहेतों को गोमती नगर विस्तार में फ्लैट आवंटित कर दिए थे। जिन लोगों को फ्लैट दिए गए थे उनमें पद्म सिंह, जिनके पिता खुद LDA में अधिकारी हैं, उपेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, शुभम केसरवानी, शिवम, सुशील कुमार और देवेंद्र कुमार शामिल हैं। और फ्लैट आवंटन में किस तरह से जल्दबाजी की गई ये भी हम आपको बताते हैं और साथ में दिखाते भी हैं। 7/1/2019 इस दिन योजना सहायक गुलाब चंद यादव, योजना सहायक यदुनाथ, योजना सहायक देवेंद्र नाथ द्विवेदी, योजना सहायक कुलदीप, योजना सहायक उमा शंकर, योजना सहायक राम नाइक, विशेष कार्याधिकारी राजेश कुमार शुक्ला और वित्त नियंत्रक राजीव कुमार ने साइन करके इन फ्लैटों को आवंटित कर दिया। अब एक बार ये जांच फिर से वित्त नियंत्रक को सौंप दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि LDA में इतना बड़ा गोलमाल बिना बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से संभव नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।